हेलो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं तिल्ली और मूंगफली दाने की बर्फी। सबसे पहले हम 500 ग्राम तिल्ली लेंगे और मोटे तले की कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब आप देख सकते हैं तिल्ली अच्छी तरीके से सिक गई है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम 500 ग्राम मूंगफली के दाने लेंगे और उन्हें भी धीरे धीरे धीमी आंच पर सेंक लेंगे। अब आप देखिए दाने सिक गए हैं, उन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तिल्ली ठंडी होने पर मिक्सर ग्राइंड में पल्स मोड पर बारीक पीस लेंगे। ठंडे होने पर मूंगफली के दाने के छिलके निकाल लेंगे और मिक्सर में पल्स मोड पर उनका पाउडर बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए 1 किलो शक्कर लेंगे, उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और 1 तार की चाशनी बनाएंगे। एक ट्रे में क्वाइल पेपर लगाकर उस पर घी लगा देंगे। घी अच्छी तरह पूरे क्वाइल पे लगाना है। अब क्वाइल पर पिस्ते की कतरन बिछा देंगे। पिसे हुई मूंगफली दाने और तिल्ली को आपस में मिला लेंगे। अब 100 ग्राम नारियल का बूरा भी मिलाएंगे। अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से हाथ से मिला लेंगे। 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है। पीसा हुआ मिक्सचर चाशनी में डाल देंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब इसको ट्रे में डाल करके जमा देंगे। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से ट्रे में दबाएंगे। ठंडा होने पर मनचाहे शेप में बर्फी काट लेंगे। अब आप देख सकते हैं मूंगफली दाने और तिल्ली की बर्फी तैयार है।